कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन भी जनसभाओं में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने अपने भाषण में न सिर्फ पीएम मोदी पर निशाना साधा बल्कि केंद्र सरकार के फैसलों पर भी सवाल खड़े किए। गुजरात में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मिशन कर्नाटक में जुट गए। कर्नाटक में इसी साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राहुल गांधी ने अब कर्नाटक का रुख किया और वो 4 दिनों के राज्य के दौरे पर हैं। इसी दौरान रविवार को कोप्पल पहुंचे राहुल गांधी ने लिंगायतों के प्रसिद्ध गवि सिद्धेश्वर मठ में दर्शन किए। बता दें कि गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मंदिरों का खूब दौरा किया था और राज्य में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में सफल रही। शायद यही वजह है कि राहुल गांधी कर्नाटक में भी मंदिरों का दौरा कर रहे हैं। बहरहाल सिद्धेश्वर मठ के दर्शन के बाद राहुल ने कोप्पल में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। रैली के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार में बीजेपी का विश्व रिकॉर्ड है। बता दें कि कोप्पल की रैली से पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने एक रोड शो भी किया। वैसे 4 दिनों की यात्रा के दौरान राहुल गांधी का जगह जगह जाकर रैली करने का कार्यक्रम है। इसी के तहत शनिवार को राहुल ने बेल्लारी में जनसभा भी की थी। बता दें कि कर्नाटक में सिद्धरमैया की अगुवाई में फिलहाल कांग्रेस की ही सरकार है और वो किसी भी कीमत पर राज्य को खोना नहीं चाहती। हालांकि बीजेपी ने इस बार पूर्व सीएम येदुरप्पा की अगुवाई में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और वो किसी भी हाल में राज्य में सत्ता वापसी की कोशिश में जुटी है। बहरहाल देखना ये होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का गुजरात फार्मूला कर्नाटक में उन्हें सफलता दिला पाएगा या नहीं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।